आज की तहलका खेस खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत जंग की चिंगारी सुलग उठी, हालात कशीदा तरीन हो गए LOC के। भारत ने जाल बिछा दिया, भारत का ख़तरनाक तरीन प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान फौज हाई अलर्ट कर दी गई, अमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान का तबाह कुन फैसला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो इस लाइक एम को पूरा कर लें। नाज़रीन ग्रामी, यूरो एशियन टाइम्स की तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत में जंग की चिंगारी सुलग उठी, हालात कशीदा हो गए, बड़ा जाल बिछ गया, भारत का ख़तरनाक तरीन जंगी प्लान सामने आ गया, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाकयात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला मौजूद हैं। आर्मी चीफ कमर बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को लाहक किसी भी ख़तरे का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। पाक फ़ौज के शोबा तलुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जहलम के करीब फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी साख्ता टैंक VT-4 के जंगी महारत का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और ख़तरात से आगाह है, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों की तरफ पूरी तरह तवज्जो मरकूज़ है, पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी सालमियत खिलाफ किसी भी ख़तरे का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तलुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक 7 नवंबर की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में व्यालम हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खुफ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और उसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके नेकरोन, कील, शारदा, नकियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी लीपा के दाना, मंडियाल, क्यानी सेक्टर, वादी जहलम के चाहम, पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांती, सांख, हाजी पीर, बेदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज का कहना था कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज ओड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तेआल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने
बिला इश्तेआल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फौज का एक फौजी अहलकार हलाक जबकि 5 जख्मी हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने छोर के गरीब सराय थर का दावा किया है, जहां जवानों की तरबियती मशकों का जायजा लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के सराय थार में जारी तरबियती मशकों का जायजा लिया गया, जहां जंगी माहौल के दौरान सहरा में सलाहियतों को जांचा जा रहा है। ISPR के मुताबिक जदारुल हदीद मशकें जवानों की सलाहियत और फोर्सेस के दिफाई किरदार को जिद्दत के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि अमन के दौर में भरपूर तरबियत और आला मियार की तैयारी अमन की वाइज जमानत है। इसके अलावा हाई अलर्ट भी फौजें कर दी गई हैं। पाकिस्तान और भारत की LOC पर जंग की चिंगारी सुलग उठी है। हालात कशीदा तरीन हो चुके हैं, बड़ा जाल बिछ गया है। भारत का ख़तरनाक तरीन प्लान, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट कर दी गई है और पूरी फौज पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भी मुंह तोड़ जवाब सामने देखने में आ रहा है और ऐसे ख़तरनाक ताबड़तोड़ हमले भी हो चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चीनी फौज भी भारत पर गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं। इतला के मुताबिक एयरबेस चीन की पूरी सरहद पर मुल्क की जंगी तैयारों के दर्जे में इजाफे के हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़िश्ता माह चीन के साथ भारतीय फौजियों की जंग में भारतीय फजाइया ने इलाके में अपनी कार्रवाइयों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। भारत ने चीन के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरकी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तंसीब कर दी थी, हूटज़रों और टैंकों को मुतय्यन कर दिया था। इसके अलावा भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती, आवाम व नज़्म व नस्क के खिलाफ नुकसानदेह कार्रवाई की वजह दिखाकर भारत और चीन मुतअद्दिद इलाकों पर आमने सामने भी आ चुके थे और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी देखने में आ रही थीं।